जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:36 PM, 3:36 हुई है एग्जैक्टली आफ्टरनून की। और आज 18 मई है, 18 मई 2020, 3:36, 3:36, यानी कि सिर्फ 6 मिनट हुए हैं मार्केट को बंद हुए, ओनली 6 मिनट्स। और मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्लोजिंग देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लोजिंग से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए आज। तो अगर ये क्लोजिंग सही है तो मुझे लगता है 8823 की क्लोजिंग है, जो कि कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस बचा के रह गई। नंबर एक। नंबर टू, रिलायंस मैंने 1446 पे दिया था। मार्केट कितना ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ये 1447 का लास्ट ट्रेड, ये मैंने दिया था 478 पे, 74 पे खड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे स्टॉप लॉस नहीं खा रहे थे। निफ्टी भी बचा हुआ है, और बैंक निफ्टी भी परफेक्टली अपने लो से 120 पॉइंट। और मैं आज आपको एक एक मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, जब जब मैंने देखा ऐसा कि बैंक निफ्टी अपने लो से, जिस दिन बहुत बड़ी मंदी आए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग चाहिए तो डायरी में नोट कर लीजिए। जिस दिन बहुत बड़ी मंदी आए और लो से लास्ट के टाइम पे अगर बैंक निफ्टी 120 से ज़्यादा पॉइंट पे खड़ा हो लास्ट ट्रेड उसका, तो अगले दिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है। ये मैंने बहुत बार देखा, ये मेरी एक रिसर्च है, मैं बता देता हूँ आपको। हो सकता है मैं कल रॉन्ग भी साबित हो जाऊँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब जब मैंने देखा कि लो, जो दिन का लो है, और मार्केट उस दिन पूरा दिन अगर बियर की गिरफ्त में रहा है, और उसके बावजूद बैंक निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो अगर अपने लो से 120 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हो, तो आज अगर हम लो देखें तो 458 का है और 589, मतलब कहीं ना कहीं 131 पॉइंट्स ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ है उसका। तो ये अपने आप में बोल रहा कि कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार है। अब आज रात को क्या देंगे, गवर्नमेंट पैकेज देगा, बैंकों को देगा, क्या देगा, ये मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि 3:36 पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3:36 PM पे, तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। और मैंने खाली भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आज तो बियर ने ऐसा बाजी मारा है कि ऐसा लगा कि बुल्स को जहाँ बुल्स आ रहा, साला पटकनी दे पटकनी, बट साले नीचे जा, कहाँ उठ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बुल्स जैसे उठने की कोशिश कर रहा है, बियर उस पर झपट्टा मार दे रहा है। तो आज पहली बार लगा कि बियर भी टक्कर दे रहा है। आज के मार्केट में मुझे पहली बार लगा कि बियर पूरा का पूरा हावी आज, मतलब जो शुक्रवार को लेके गया उसी को कंटिन्यू कर रहा है, आज उठने नहीं देंगे बुल्स को, समझे। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में उठा था बुल्स, फिर दबा दिया उसको। तो मतलब आज बोले बोला जाए तो आज बियर का डे था। एंड आई विश ऑल द बियर्स वेरी, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बियर्स टुडे। बट जीत तुम्हारी हुई नहीं, क्योंकि 810 के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। और फिर भी मुझे लगता कि आज का दिन फुल्ली डोमिनेटेड बाई बियर्स, ठीक है। हालांकि मेरे जो लेवल्स थे उसके भी ऊपर ही लास्ट में ट्रेड हो रहा है, देख लीजिए आप, 1446 पे दिया, 47 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अपने आप में एक स्टडी है, और ये मैंने आपको बताया इसलिए कि इसका लो देखिए आप, 17458, 17589, यानी कल कहीं ना कहीं, मैं पर्सनली अभी अभी बोलूँगा, थोड़ा बड़ा बातें बड़ी लगेगी, सुनने में बड़ी लगेगी, कल मुझे ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो हाई है आज का 711, आप लोग नोट कर लीजिए चाहे कॉपी में, ये मुझे कल टूटता हुआ दिख रहा है, 18711, कल की डेट में। मैं परसों तक नहीं ले जा रहा हूँ मामला, आई एम नॉट टेकिंग दिस मामला टू परसों, मतलब वेनेसडे, आई एम टेकिंग दिस मामला टू टुमोरो, दैट टुमोरो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स विल ब्रेक 18711, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स विल ब्रेक टुमोरो 18711, नंबर वन पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैंने एक रीज़न बताया, जब जब मैंने ऐसा देखा है, बियर्स डोमिनेटिंग डे रहा पूरा, उसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी अपने लो से 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अगले दिन हीरो बन के ही आया है। और हीरो बन के आएगा तो ये 200-400-500 पॉइंट के लिए हीरो नहीं बनता, जैसे आज गिरा ना वैसे ही कल ये 711 को तोड़ेगा। अब ये 3 बजे तक कल तोड़े, 3:30 तक तोड़े, मेरे पास टाइम कल 3:30 का है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है।
अब आ जाइए, आज मैंने क्या किया उसके बाद। आज मेरे दो लास्ट के पोस्ट जो मैंने नहीं डाला, क्योंकि किस मुंह से डालूं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये डाला था, एग्जैक्टली इसका टाइम दिखा देता हूँ आपको। लेकिन आज आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट बियर्स, लेकिन जीतोगे तुम नहीं, भूल से भी सपने में भी मत सोचना, बहुत बुरी मार मरने वाली है बियर की। तो 32 मिनट हुआ है इसको, 3:08 का पोस्ट आपको दिख रहा होगा, 3:08 PM। टूडेज फुल मंडे बियर्स डोमिनेटेड एंड इट हैपेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑन मंडे, लुक्स लाइक कमिंग डेज ह्यूज बुलिस। क्या लिख रहा हूँ, ये 3:08 में जब बुरी तरह मार रहे थे बियर्स बुल को, तब मैंने लिखा टूडेज फुल मंडे बियर्स डोमिनेटेड एंड इट हैपेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑन मंडे, लुक्स लाइक कमिंग डेज ह्यूज बुलिस, बट वी हैव टू सेव 8810 क्लोजिंग बेसिस एवरी डे इंक्लूडिंग टूडे। फिर से पढ़ के बताता हूँ, टूडेज फुल मंडे बियर्स डोमिनेटेड एंड इट हैपेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑन मंडे, लुक्स लाइक कमिंग डेज ह्यूज बुलिस, बट वी हैव टू सेव 8810 क्लोजिंग बेसिस एवरी डे इंक्लूडिंग टूडे। तो आज हमने सेव कर लिया। तो यही मेरा फिगर था, देखिए फिगर कितना इंपॉर्टेंट रखता है मेरा वाला। मार्केट ने पूरा हिलाया लेकिन वहाँ नहीं कर पाया। अब आज इसको भी देख लेते हैं, ये कब डाला मैंने, 3:13 पे, 3:13 PM। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर हाईली ओवरसोल्ड ऑन चार्ट्स, टुमोरो बाउंस बैक लुक्स लाइक बाउंड टू हैपन, लुक्स लाइक बाउंड टू हैपन, एनी वन विलिंग टू टेक रिस्क कैन बाई मोर नाउ। मतलब अगर किसी की इच्छा है तो कुछ क्वांटिटी और बाई करके जा सकता है आज। ये मैंने मेरी एडवाइस दी है, ठीक है, जो मेरे पर्सनल फॉलोअर को, यानी कि कल जूते मुझे ही पड़ेंगे इनसे जिनको ये एडवाइस मिली, ठीक है। तो जूते खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, जूते खा मंजूर है। तो CNX निफ्टी दिखा रहा 8823, यानी कि 10 के नीचे नहीं क्लोज हुआ, पहली बात। और इसका तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो कल फाड़ देगा सबको। कल मैंने आपको एक हिंट दे दी 18711, तो कल मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब 18711 या तो पार नहीं हो या पार हो। तो कल का वीडियो सुबह एक चाय पर चर्चा करने के बाद सीधा 3:30 के बाद, कल दिन में 9 वीडियोस, ओके, लेट्स सी कल क्या होता है। कल सुबह सिर्फ चाय पर चर्चा, उसके बाद 3:30 के बाद। तो अब आ जाते चार्ट्स पे, तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे क्लोजिंग आ चुकी है, 3:36 पे मैंने स्टार्ट किया इस वीडियो को, आपको विश्वास होगा क्या कैंडल बनी है भाई, ऐसा लगता है एकदम पहाड़ से गिरा एकदम जमीन तक। देखिए इसको क्या बोलते हैं, मारू बोजू, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, मारू बोजू, जापानीज नाम है इसका, मारू बोजू। इसमें कहीं भी आपको वीक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो ओपनिंग है वो हाई है और जो लो है लगभग वही क्लोजिंग आज, जब जो लो है वही लगभग आज की क्लोजिंग है, क्योंकि आज का लो है 8806, यानी कि 8810 को तोड़ा इसने जरूर, लेकिन क्लोज कहाँ किया, 8823। तो इज्जत बचाया प्रमोद जैन की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने आज, और दूसरी बात इसने देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद किया है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे बंद किया है, तो ऐसे भी हाईली ओवरसोल्ड है ये आपको दिख रही होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कल नीचे खुल के बढ़े, थोड़ा सा नीचे खुल के बढ़े, लेकिन क्लोजिंग बेसिस 8810 तोड़ दिया। तो मैं वो आधे घंटे का माफ़ीनामा वाला वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे का, कि भैया मेरे से गलती हुई, मैंने बियर्स से पंगा लिया और सभी बियर्स को मेरा सैल्यूट है। ये कल मेरा वीडियो बनेगा 3:30 के बाद, अगर 8810 के नीचे कल बंद कर देता है, खुले कितना भी, 8750 खुले, 8770 खुले या 9000 खुले, उससे मुझे कोई लेना नहीं, ठीक है। ये हो गया मारू बुजू। और अब मैं आपको इस मारू बुजू का भी कमाल दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक मारू बुजू हुआ, तो कल मुझे ऐसी वाली कैंडल लग रही है ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जो आज हुआ है हालचाल, आज लग रहा है कि पुट भर के बाइंग हुई है 8500 में। तो अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट, मैं दिखाऊँ कि आज क्या हुआ है, चलिए 8500 का ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ मैं, अगर वहाँ पर ज़बरदस्त एडिंग हुई है तो कल फाड़ के तेजी है, ठीक है। चलो देखता हूँ, आज पहली बार मैं आपके सामने ओपन इंटरेस्ट भी देख रहा हूँ, बहुत रेयरली मैं कभी कभी चेक करता हूँ इसको, रेयरली मतलब कोई महीने दो महीने में एक बार।
तो मैं 8500 को देख लेता हूँ खाली, उसके पुट में अगर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो कुछ बात है। 8500 ये आपके सामने 8500, और ये अरे यार चलो 8500 फिर से खोलना पड़ेगा एक सेकेंड। हाँ थोड़ा लैपटॉप पुराना ना, आपको बताया ना इससे बहुत प्यार है, क्या चलाना पड़ता भाई। 8500 में आप देखो 370,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ऊपर आपको इसका कॉलम दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं 370,000 लोगों ने और पोजीशन बनाई है 8500 पुट पे इसी वीक की। तो इनकी कल या तो बैंड बजेगी या है हमारी बैंड बजाएंगे, मतलब मेरी, हमारी नहीं मेरी, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ बैंड बजवाने के लिए अपनी कल। मैं बिल्कुल आधे घंटे का इसलिए खाली सुबह चाय पर चर्चा करूँगा, फिर देखूँगा कि एक तो 18,711 बैंक निफ्टी तोड़ता कि नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर तोड़ दिया तो, लेकिन वो तो उस पर तो मैं गाली सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन 8810 के नीचे गया तो मैं बिल्कुल आप लोग को एक, और इतने दिन राइट हुआ तो एक दिन रॉन्ग भी तो होना चाहिए, ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा मेरे लिए। तो मुझे, मैं ज़मीन पे था हूँ, धरती पे, मतलब बहुत दिन आसमान में उड़ लिया, तो अपने आप को ज़मीन पे भी देखना चाहिए। तो 370 का कल आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इसी के सामने कॉल में क्या हुआ देखते हैं। 8500 में कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग जो मार्केट प्राइस लास्ट की थी वो 8800 थी, वहाँ पे कॉल में कितना ऐड हुआ, 357,000, ठीक है 8800। मैं ये सब देखता हूँ, मैं ज़्यादा दूर की कहानी नहीं देखता हूँ। और इस चीज़ के सामने यहाँ पे भी पुट में एडिशन कितना हो गया, 240,000। अब आप इसमें मज़ेदार देखिए, इसका जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इसको ऐड करके, वो 990,000 है 8800 का पुट। तो कल 8800 तो बिल्कुल सपोर्ट हो गया आपका, मतलब इसके नीचे मार्केट कल टिकने वाला नहीं है, ये तो मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। जैसे ओपन इंटरेस्ट कभी मुझसे सीखिएगा, मैं सिखाऊंगा इसकी टेक्निक आपको। तो कल 8800 के नीचे मार्केट टिकने वाला नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है। और 8800 में कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, 378,000, यानी अब तो कल का मेरा क्लोजिंग का तो डर खत्म हो गया कि 8810 के नीचे क्लोज होगा। और अब 8900 पे देख लेते हैं, 792,000, और यहाँ बराबर की टक्कर है क्योंकि यहाँ पे ये भाई साहब लोग भी 654,000। तो 8900 पे ये लोग थोड़ा दम लगाएंगे बियर्स कल, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में एनालिसिस करके दे दिया आपको। तो 8800 कल ज़्यादा देर इसके नीचे मार्केट नहीं रहेगा कोई भी हालत में, ठीक है। तो अगर आपको 8800 के नीचे या आसपास मार्केट मिले तो बिंदास बाई करना चाहिए। अब कोई सीधा गैप ही खोल दे 8500, तो कुछ अलग ही कोई न्यूज़ हो, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर तो कोई भी महाराज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ हो नहीं सकती क्योंकि पूरे विदेशी मार्केट ऊपर है। अब कोई बड़ी न्यूज़ आ ही जाए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब न्यूज़ पे चलता है तब सारे टेक्निकल और फंडामेंटल उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ऑडियंस बन जाते हैं। ये डायलॉग मैं शायद 102 बार बोल रहा हूँ। तो आ जाइए इसमें, अब इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देख लेते हैं भाई कहाँ क्या हुआ। तो वो ट्रेंड लाइन मुझे उस दिन बता रही थी कि 8810 टूटना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस, टूटा तो नहीं हुआ। परफेक्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, आप देखो परफेक्ट, मैंने कुछ ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा ड्रॉ किया, आप चेक कर सकते हो। यही ड्राइंग मेरी रविवार के वीडियो में भी थी, और इसकी जो है ऊपर का लेवल है 9490, वो मुझे याद है, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था। तो आज तो इज्जत बच गई, मतलब कपड़े फटते फटते रह गए, वरना गंजी में निकलना पड़ता था, बच गया भाई। चलिए आज ज़्यादा डायलॉग मार के कोई मतलब नहीं है, शाम को क्या होता पता नहीं, बट मुझे जो दिख रहा है मैंने सब कुछ क्लियरली बताया। आज का वीडियो को मुझे चाहिए आप लोग से ज़्यादा लाइक, और ज़्यादा कल के वीडियो में आप लोग अगर 8810 के नीचे बंद होता है और कल बुलिश डे नहीं होता है तो आप लोग दिल खोल के डिसलाइक दबाना कल, मैं बिल्कुल परमिशन दे रहा हूँ, दिल खोल के, मतलब जितना हो सके लाइक वाला भी डिसलाइक दबाना कल।
और मुझे तो लगता है ये मंदी खत्म होने का आज खत्म हो गई मंदी, जो मंदी जो मतलब थोड़े दिन बीएस राजी हुए थे उनके आज का लास्ट डे खुश होने का। कल सुबह थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, वो भी मुझे लगता नहीं है। तो ऐसा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आदमी को, कभी भी हार जीत होती है लेकिन कॉन्फिडेंस कभी नहीं हारना चाहिए। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्टडी पे। ये देखिए कितना बॉलिंजर बैंड के नीचे बंद किया, ये तो कल फाड़ेगा, ये तो दिख ही रहा है, ये तो कल लगता है खुलेगा ही ऊपर ही। तो गुरुदेव माफी खुलेगा कल। मुझे तो बड़ी तेजी दिख रही मावा, ये तो बड़ी तेजी दिख रही मुझे, ये तो सिग्नल बहुत बड़ी तेजी का है। चलिए एनीवे मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता। टुमोरोज हीरो माइट बी बैंक निफ्टी प्रोबेबली। एंड सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, 8810 बच गया आज क्योंकि 8823 पे क्लोज हुआ। कल भी बचाना है हमको, परसों भी बचाना है, पूरी रेस्ट ऑफ द मे सीरीज बचाना है, ये हमारे लिए एक टफ टास्क है, टास्क है क्योंकि हम लोग आज 8823 पे क्लोज हुए। और कल मुझे लगता है कि जैसे होता ना ऑस्ट्रेलिया एक मैच कभी कभी बांग्लादेश से हार जाती है, वैसा आज का दिन था, वरना ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हमेशा पटकर ही देती है। जो माहौल है मतलब मैं इसमें बियर्स के साइड नहीं हूँ ना, मैं बुल्स के साइड हूँ, मैं मार्केट के साइड हूँ। और जैसे 8810 टूट के क्लोज हुआ, जिस दिन भी, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, पहले तो मैं अपनी हार स्वीकार करूँगा, मतलब अपने आप को मानूंगा कि गलत मेरी एनालिसिस थी पहली बात। दूसरा, मैं बिल्कुल बीएस के खेमे में घुस जाऊंगा क्योंकि मुझे जहां दिखता है मैं वहीं जाता हूं, ठीक है। तो अभी तक तो मैं बुल्स के खेमे में ही हूं टिल टुडे। और मैंने आज कॉल बाई करके ही गया हूं, मैं थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं मैं क्या बाई किया हूं। हालांकि आज मुझे लॉस काफ़ी अच्छा है मार्क टू मार्क, लेकिन मैंने पोजिशन काटा नहीं है, ठीक है। मैं एक आध ट्रेड दिखा देता हूँ आपको ऐसे। ये देखिए बैंक निफ्टी का कॉल मेरा 346 का भाई है, ये तो 316 का भी भाई है, तो इसकी लास्ट रेट 200 होगी। ये 318 कैसे हो गया यार, इसका मतलब इसका प्रीमियम नहीं घटने दिया लोग, गजब। ये तो मैंने कितनी बजे बाई किया था आप देखे, ये कितनी बजे का भाई है, टाइम दिखेगा आपको, 11:20 का है और इसका प्रीमियम घटा ही नहीं, गजब 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 गजब, ये सिग्नल दे रहा भाई। तो मैं तो सुबह से बाई करके बैठा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं काटा हूँ, बिल्कुल बिंदास हूँ क्योंकि मैं खाली क्लोजिंग देख रहा था। मैं लास्ट के 15 मिनट भोलेनाथ से प्रार्थना करता, भोलेनाथ आज तेरा ही दिन है, बचा लेना लाज, नहीं कपड़े उतरेंगे आज। पब्लिक में बहुत डायलॉग मारा बड़ी बड़ी, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय, लव यू ऑल। एंड जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 आपके हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, ज़रूर से पहले चैनल सब्सक्राइब करो। और क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा वाला बटन है क्या यार जिससे आपको नोटिफिकेशन आता है, क्या मेमोरी हो गई, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन तो बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए मैं जब भी वीडियो बनाऊँ। और लाइक और शेयर तो आप लोग करोगे बिकॉज दिस इज़ योर चैनल गाइस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।